साथियों जय हिंद। साथियों आज सुबह से एक मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, खासतौर से व्हाट्सएप पे, कि अयोध्या में राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऑनलाइन सर्वे चलाया है और आप भी इस सर्वे का हिस्सा बनिए और अपनी राय दीजिए। जब हमारे को ये मैसेज व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आना शुरू हुआ तो हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तो जो हमें बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली जानकारियां मिली, जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, अगर आपने इसका लिंक देखा हो तो इसका लिंक था ayodhya-issue.gov-up.in। अब ये जो शुरू के जो दो शब्द हैं ayodhya-issue, अगर हम इसको हटा दें, जो कि सब डोमेन कहलाता है, इसको हटा दें तो मेन डोमेन बचता है gov-up.in, जबकि यूपी सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसका डोमेन है up.gov.in, और ये जो नकली वाला डोमेन था ये है gov-up.in। जब हमने इस डोमेन की जानकारी निकालनी चाहिए तो हमारे को मालूम हुआ कि ये डोमेन 21 मार्च को किसी तरुण चौधरी के नाम से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे तरुण चौधरी की ईमेल आईडी भी है जिससे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमने उसको भी छुपा दिया है और उसका आधा अधूरा एड्रेस भी दिया हुआ है, F37 फर्स्ट फ्लोर दिल्ली। अब F37 कहाँ का? मालवीय नगर का, साकेत का, जनकपुरी का, द्वारका का, अशोक विहार का, लक्ष्मी नगर का, क्या कुछ भी नहीं, आधा अधूरा एड्रेस है। साथ में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9845-, आगे का नंबर मैंने अभी छुपा दिया है। लेकिन समझने वाली बात क्या थी, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहा हूँ सवा साल डेढ़ साल, तो मेरा दिमाग वहां पे क्लिक किया कि 9845 तो दिल्ली की सीरीज ही नहीं है, ये तो कर्नाटका की सीरीज है। वहां से हमने इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया तो शुरुआती जांच में बहुत पक्के विश्वसनीय सूत्रों से जो मुझे खबर मिली वो ये मिली कि ये नंबर किसी अख्तर अली के पास है। लेकिन जब तक सबूत नहीं होते तब तक हम इतनी बड़ी चीज बोल नहीं सकते। तो हमने इसको पूरी तरह से खंगाला और अब ठोक बजा के पूरे सबूतों के साथ मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर कर्नाटका जोन का है, एयरटेल का है, पोस्टपेड नंबर है, ये पूरे सबूत हमारे को मिल चुके हैं बकायदा। और ये नंबर डिजीकॉम सिस्टम्स BLR प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर्ड है और यूज इसको अख्तर अली कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो सर्वे चलाया है, अब ये तरुण चौधरी ने चलाया है या अख्तर अली ने चलाया है या किसी तीसरे शख्स ने चलाया है और दोनों के नाम यहाँ पे गलत लिखे हैं, जो कुछ भी हो ये पूरी तरह से नकली था और ये बहुत संगीन मामला है। संगीन क्यों है? क्योंकि जिन्होंने इस पोल में हिस्सा लिया है उनको मालूम होगा कि इस पोल में हिस्सा लेने के लिए इसको कनेक्ट किया गया फेसबुक से या जीमेल अकाउंट से, गूगल अकाउंट से, साथ में मोबाइल नंबर्स मांगे गए। लाखों लोगों ने हिस्सा लिया होगा, मतलब लाखों लोगों की डिटेल्स, उनके मोबाइल नंबर्स, उनके जीमेल, उनके फेसबुक की प्रोफाइल के लिंक्स, सब कुछ उस इंसान के पास जा चुके हैं, वो इंसान जो कोई भी है। तो अभी हमने भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री जी को, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को, यूपी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में हमने मांग की है कि इस इंसान का पता लगाया जाए, ये कौन है, इसकी नियत क्या थी, और जो इतना सेंसिटिव डाटा, क्योंकि देखो जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, हमारी बहनें भी होंगी, सबके डाटा गलत हाथों में जा चुके हैं और ये सुरक्षा का बहुत संगीन मामला है। तो हमने सरकार से मांग की है कि इस बंदे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इसकी पूरी छानबीन की जाए, उसके सर्वर से सारे डाटा को इरेज किया जाए। साथ ही हमने एक और मांग की है, हमारे पास में पूरे सबूत हैं कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि हमने सरकार को सबूत दे दिए हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने अपने वेब पोर्टल पे ये खबर चलाई कि योगी जी की तरफ से अयोध्या के लिए ऑनलाइन सर्वे चल रहा है। एक चैनल की न्यूज क्लिपिंग भी हमारे पास में है, वो भी हमने सरकार को ईमेल कर दी है। उस न्यूज में बकायदा बोला गया है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक ऑनलाइन पोलिंग करवाई जा रही है अयोध्या को लेकर के, मंदिर बने या मस्जिद बने। साथियों सोचने वाली बात क्या है, इतने बड़े मीडिया हाउसेस जिनकी साख है देश में, उसको देख करके अगर लाखों लोगों ने भी वोटिंग कर दी होगी तो लाखों लोगों की जो डिटेल्स चली गई गलत हाथों में, उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये चैनल्स या अखबार? हमने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लिखा है कि ऐसे मीडिया हाउसेस पे सख्त कार्रवाई की जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए, इनके लाइसेंस रद्द किए जाए। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं साथियों, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो मीडिया हाउस नहीं है, इस देश के आम नागरिक हैं, तब भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, तब भी कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और खैर सरकार को हमने लिखा है, अब आपका क्या रोल है साथियों? मेरा आपसे एक ही निवेदन है, जैसे आपने
मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, अभी 3 दिन पुराने वीडियो में भी मैंने बोला, जो योगी आदित्यनाथ जी की एक गलत पिक्चर्स बनाई गई थी, वो भी बेंगलोर से ही बनी थी, उस वीडियो में भी कहा था कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली बम है, हमें भगत सिंह बनना है या बगदादी, ये हमारे ऊपर है। अब आज जाने अनजाने आप सब लोगों ने इसमें ऑनलाइन सर्वे में भाग लिया होगा, आपकी डिटेल्स गलत हाथों में जा चुकी हैं और आपके जरिए बहुत सारे लोगों की डिटेल्स भी जा चुकी होंगी। जो हो गया वो हो गया, उसको अब सरकार देखेगी कैसे संभालना है, क्या करना है, वो हमने लिख ही दिया सरकार को। लेकिन आगे ऐसा ना हो उसके लिए अब आप इस वीडियो के लिंक को पूरी तरह से फैला दीजिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप में, अपने दोस्तों में, मित्रों में, ऑफिस ग्रुप्स में, अपनी फैमिली ग्रुप्स में, ताकि किसी और की डिटेल्स आगे जाने से बच जाए। प्लस ट्विटर पे आप इस वीडियो के लिंक को जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, जो बड़े कार्यालय हैं, जो बड़े विभाग हैं भारत सरकार के, यूपी सरकार के, उनको ये वीडियो पोस्ट कीजिए। हालांकि हमने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन आपका जो वीडियो उनको बार बार जाएगा वो एक रिमाइंडर की तरह काम करेगा कि इस मुद्दे को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और देश की सुरक्षा से क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता वो इंसान कौन है जिसने डिटेल सारी इकट्ठी की है और उसकी नीयत क्या है। और हमारे आदरणीय और प्रिय मोदी जी का जो सपना है डिजिटल इंडिया का, वो डिजिटल इंडिया भी तभी सही मायनों में साकार होगा जब हम वेब की दुनिया को एक सेफ एंड सिक्योर दुनिया बना पाएंगे। तो साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि अब आप इस वीडियो के लिंक को उसी तरह से फैलाएं जैसे कि आपने अयोध्या के ओपिनियन पोल को फैला दिया था। धन्यवाद। जय हिंद।